ये तेलंगाना में अपनी बीजेपी का और भी ताकत बढ़े, जनाधार बढ़े। सरकार ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तेलंगाना के साथ में वही काम किया है, जहाँ पर जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है उतना ही न्याय तेलंगाना को सरकार भी दे रही है। और मुझे विश्वास है जब से इस नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट से लेके तेलंगाना में अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो प्रवास हुआ है, यहाँ 3 दिन जो रुके थे, तब से पूरे तेलंगाना में एक बीजेपी के लिए माहौल बन गया है। संगठन के लिए बीजेपी में लोग ज्वाइन करने के लिए आगे आ रहे हैं। और वैसे ही प्रधानमंत्री ने 3 वर्षों में जो काम किया है, इसको देखते हुए पूरे देश की जनता में, तेलंगाना में भी प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली से, कार्य पद्धति, वर्किंग से, प्रोग्राम से और पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसी को देखते हुए पब्लिक में अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है सरकार के प्रति और पार्टी के प्रति। और हमने अभी देखा, आप लोगों को हमें बता देंगे कि सबका साथ सबका विकास एक सरकार का, दूसरा बीजेपी का विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे पार्टी के प्रेरणा हैं, संस्थापक हैं, उन्हीं की आइडियोलॉजी है कि अंतिम व्यक्ति का विकास, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के घर में प्रकाश और अंतिम एरिया में विकास क्षेत्र। मैं इतना चैलेंज करता हूं कि तेलंगाना में बीजेपी एक अच्छी पार्टी के रूप में उभर रही है। मैं लास्ट 2 साल से, 2 ईयर मैं यहाँ पे एक एज ए मिनिस्टर, यहाँ पे संपर्क मंत्री उनके काम करता हूँ तेलंगाना में। हमें किसी को हराने के लिए नहीं, हमें बीजेपी को जिताने के लिए काम करना है। यहाँ कौन सा पार्टी क्या ताकत रखता है हम नहीं देखते, हमें हमारी ताकत बढ़ानी है। हर डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है और ये दोनों बातों को लेके संगठन, अभी जो विस्तार योजना चल रही है, विलेज विलेज में बूथ बूथ पर काम चल रहा है। एक प्रोग्राम बीजेपी चला रही है, एक प्रोग्राम सरकार चला रही है, डेवलपमेंट के बारे में बताने की जनता के बीच दोनों बातें साथ में चल रही है। कोई भी राजकीय संगठन या सरकार के 2 वेल होते हैं, एक सरकार और एक पार्टी। हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं और हम जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में विकास दिया, विचार दिया, मणिपुर में विचार भी दिया, विकास भी दिया, डेवलपमेंट डेवलप के साथ में आइडियोलॉजी भी दी, और आसाम में भी वही किया था कि तेलंगाना की पब्लिक, वोटर्स हमें लाइक करेगा और फ्यूचर में तेलंगाना में बीजेपी नंबर 1 द पार्टी बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज की हालत में हम बहुत लीड कर रहे हैं। थैंक यू।